हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि पुष्कर सिंह धामी ने, आप देख सकते हैं, विधानसभा में हुई अनियमितताओं को लेकर, यानी कि जो उसमें बैकडोर से भर्तियां की गई थी उसको लेकर जांच बिठाने के लिए एक जो है लेटर लिखा है माननीय अध्यक्षा जी की, ऋतु खंडूर जी को। चलिए पूरी खबर क्या है इस वीडियो में हम आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आप हमें टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको अवगत कराना है कि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से यह अवगत हुआ है कि विधानसभा में नियुक्ति में अनियमितता का आरोप विगत कुछ दिनों से चर्चा में है। विधानसभा एक गरिमा और स्वस्थायी संवैधानिक संस्था है। इस संस्था की गरिमा को बनाए रखना हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। उसके आगे उन्होंने लिखा है कि आप भी सहमत होंगे कि विधानसभा की गरिमा, शुचिता तथा उत्तराखंड के युवा अभ्यर्थियों की भावनाओं के दृष्टिगत निम्न बिंदु पर विचार किया जाना उचित होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला पॉइंट मुख्यमंत्री जी ने उठाया है वो कि विधानसभा सचिवालय में की गई नियुक्तियों जिनके संबंध में विवाद उत्पन्न हुआ है के संबंध में उच्च स्तरीय जांच कराया जाना एवं जांच में कोई अनियमितता पाई जाती है तो ऐसे सभी अनियमित नियुक्तियों को निरस्त किया जाना, यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं जाँच पक्की है। दूसरी, विधानसभा सचिवालय में भविष्य में निष्पक्ष एवं पारदर्शी नियुक्तियों के लिए प्रावधान किया जाएगा। तो यहाँ पर दो बड़ी बात जो है आप देख सकते हैं इस लेटर में लिखा गया कि पहली जांच बैठा दी जाए, दूसरा भविष्य में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से की जाए और उसमें अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो तब जो है उनको बाहर कर दिया जाए। उसके अलावा इन्होंने लिखा है कि राज्य सरकार द्वारा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की गई नियुक्तियों में अनियमितताओं के आरोपों की गहनता से जाँच कराने एवं दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई किए जाने के संबंध में कदम उठाए जा रहे हैं। इस क्रम में मेरा आपसे अनुरोध है कि विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों को लेकर चल रहे विवाद के दृष्टिगत कृपया उपरोक्त बिंदु पर विचार करने का कष्ट करें। पुष्कर सिंह धामी, श्रीमती ऋतु खंडूरी भूषण, अध्यक्ष विधानसभा उत्तराखंड। तो आप देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है एक लेटर लिख दिया है। अब देखना यह है कि विधानसभा अध्यक्षा कितनी जल्दी जल्दी ये जांच बैठाती हैं। अब चलते हैं हमारे सीएम पुष्कर सिंह धामी जी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे, तब देखते हैं वहां पर उन्होंने इस संबंध में क्या ट्वीट किया हुआ है। सो गाइस, अभी मैं पुष्कर सिंह धामी जी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस यहाँ पर हम नीचे जाएंगे तो करीब आप देखेंगे 9 मिनट पहले इन्होंने ये ट्वीट किया है कि मैं विधानसभा अध्यक्ष महोदया से अनुरोध करता हूं कि विधानसभा में हुई नियुक्तियों में किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर उन्हें निरस्त कर इस विषय में विधि सम्मत कार्रवाई करें। और ये आप देख सकते हैं वो ये वही लेटर है जो मैंने अभी आपको पूरा डिटेल में पढ़ के सुनाया, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर उन्होंने और कुछ लिखा है कि नहीं लिखा, हाँ जी आगे भी लिखा है इन्होंने इसी के संबंध में, आप देख सकते हैं, साथ ही भविष्य में होने वाली नियुक्तियों के संदर्भ में मैं भी एक स्पष्ट पारदर्शी नीति बनाई जाए जिससे तमाम जो भविष्य में भर्तियां होंगी उनमें कोई अनियमितता ना पाई जाए। तो आप देख सकते हैं ये ट्वीट किया है, शायद इसमें इन्होंने एक दो लोगों ने इसमें कॉमेंट भी किया होगा, आई थिंक नहीं इसको रीट्वीट ज़्यादा लोगों ने किया है, अभी मैं भी इसको रीट्वीट करूंगा कमेंट के साथ। बाकी आपकी क्या राय है इस संबंध में मुझे बताएगा जरूर। तो फिलहाल एसटीएफ तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ऊपर जो आरोप लगे हैं उनकी जांच कर रही है, बीडीओ बीपीडीओ भर्ती की, लेकिन अब जो है एक जांच और बैठेगी। देखना बाकी ये है कि ये जांच कब से शुरू होगी, कौन इसको करेगा, एसटीएफ करेगा कि विजिलेंस करेगा कि डिपार्टमेंटल जाँच की जाएगी, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल पूरा दारमदार अब जो विधानसभा अध्यक्षा ऋतु खंडूरी के ऊपर है, अब देखते हैं क्या जिन निकल के सामने बाहर आता है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जरूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आप हम इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख रखा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।